श्रीमती विप्लव ठाकर हमारे क्षेत्र की एक बहुत लंबे समय से यहाँ की नेत्री रही हैं, हमारी MLA रही हैं, और परसों उन्होंने जो बयान दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक आम जनमानस के साथ कमिटमेंट की थी कि हर किसी को वैक्सीन लगना चाहिए। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रेज करना चाहिए, ना कि उसका क्रिटिसिज्म करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, फिर चुनावी मौसम है, चुनावी वर्ष है, तो क्या बोलते हैं? स्वागत करेंगी आप? क्यों करूंगी मैं? किया क्या है उन्होंने हिमाचल के लिए और क्या करके जाएंगे? क्या दिया उन्होंने इतने चार साल में, मुझे बता दीजिए। कोई फंड दिए हैं? कोई एक्स्ट्रा वो किया है? कितनी बार वो हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं उनके पास? मैम कोरोना वैक्सीन की बात करते हैं, कोरोना वैक्सीन दी है उन्होंने। क्या दी है उन्होंने? कोई उन्होंने हमारे पे एहसान किया है? मरने देते लोगों को? जिस तरह से यूपी में लाशें जो है वो गंगा में जा रही थी, तो उसमें उनका तो हमने पोलियो किया, हमने TB का वो किया, हम लोगों ने मलेरिया किया, टाइफाइड किया, हमने तो इतना जो है शोर नहीं मचाया। आज पोलियो की वैक्सीनेशन हर बार दी जाती है, कोई ऐसा इनका तो अडंबर चाहिए। तो ये तो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, लोगों को नहीं देते हैं, लोगों का नहीं सोचते, ये सोचते कि मेरी इमेज कैसे बने, मैं कैमरे के सामने कैसे आऊं, कहां लोगों का भला है? अगर दिया है तो कोई एहसान किया है, बंदा नहीं था, प्रधानमंत्री नहीं है वो, देश ने उनको चुना नहीं है, इतनी बड़ी मेजोरिटी दे दी, किस लिए दे दी? काम करने के लिए दी है, फोटो खिंचवाने के लिए तो नहीं दी।